फ्रेंड्स, कई बार हमें अपनी लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहां हम कहते हैं, मैंने उसे शराब पीते हुए पकड़ा, या वह मुझे घूस लेते हुए पकड़ी, मैंने उसे धोखा देते हुए पकड़ा, वह मुझे चैटिंग करते हुए पकड़ी। तो फ्रेंड्स, कई बार हमें अपनी लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहां हम कहते हैं, किसी एक इंसान ने दूसरे को कुछ करते हुए पकड़ा। तो आइए फ्रेंड देखें कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, इस लेसन की शुरुआत करते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप कहेंगे कॉट, उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और फिर आप एक जीरंड का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। जैसे अगर आपको कहना हो कि मैंने उसको चोरी करते हुए पकड़ा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कॉट हर स्टीलिंग, यानी मैंने उसे चोरी करते हुए पकड़ा। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद मैंने बोला कॉट, उसके बाद मैंने लिखा ऑब्जेक्ट जो था हर, और लास्ट में मैंने एक जीरंड का इस्तेमाल किया, मैंने उसे नशा करते हुए पकड़ा। तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कॉट हर स्मोकिंग, यानी मैंने उसे नशा करते हुए पकड़ा, मैंने उसे घूस लेते हुए पकड़ा। तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कॉट हिम टेकिंग ब्राइब, यानी मैं उस इंसान को घूस लेते हुए पकड़ा। अगर आपको कहना हो कि वह मुझे बात करते हुए पकड़ी, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी कॉट मी टॉकिंग। अगर आपको कहना हो कि वह मुझे एक लड़की से बात करते हुए पकड़ी, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी कॉट मी टॉकिंग विद अ गर्ल, वह मुझे जुआ खेलते हुए पकड़ी। सी कॉट मी गैम्बलिंग, मैंने आपके भाई को इंटरनेट यूज करते हुए पकड़ा। तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कॉट योर ब्रदर यूजिंग इंटरनेट, मैंने उन लोगों को बहकाते हुए पकड़ा। तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कॉट देम मिसलीडिंग, यानी मैंने उन लोगों को बहकाते हुए पकड़ा, मैंने उसे धोखा देते हुए पकड़ा, आई कॉट हिम चीटिंग। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहाँ आप कहें कि मैंने उसे चोरी करते हुए पकड़ा, मैंने उसे बात करते हुए पकड़ा, मैंने उसे बहकाते हुए पकड़ा, या मेरे पापा मुझे सिगरेट पीते हुए पकड़े, या क्लास टीचर मुझे नकल करते हुए पकड़े, तो फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंसेस को आप बड़े आराम से बोल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इस टॉपिक का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह कांसेप्ट समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।